हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैनुल आबदीन औरंगाबादी मिंबर शरीफ पर जलवा बार है। आप सुनेंगे उन्हें मुस्तफीजों महसूस होंगे। इससे पहले मैं इलाहाबाद की सरजमीन से आवाज देता हूं जनाब उवैस रजा इलाहाबादी। मैं समझता हूं कि आपकी खामोशी यही तो होंगे इंशाल्लाह। बहुत देर से आप खामोश हैं। अब देखना यह है कि उवैस भाई को आप खामोश रह के सुन सकते हैं क्या? अगर आपने सुन लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत बड़े खामोश हैं। अरे माशाल्लाह, लेकिन हुसैनी कभी खामोश नहीं रहते हैं। वो कहा था किसी आशिक ने कि हरगिज जबान दे के मुकरते नहीं है हम, चाहते हैं दार पर तो उतरते नहीं है हम, हम कत्ल होके पहुंचते हैं कुरान की आयतें, नेजे भी जानते हैं कि मरते नहीं, हम कत्ल होके पहुंचते हैं कुरान की आयतें, नेजे भी जानते हैं कि मरते नहीं है हम। मरकजी नौजवान सीरत कमेटी युवा फ्रेंड्स, मैं इसे मुबारकबाद पेश करता हूं। आज के इस अजीम शान मुशायरे को सजा रचा करके ये साबित कर दिया, जिसके सरपरस्त मोहतरम अलहाज अनीसुर रहमान साहब, जियाउल फजल खान साहब, सदर है सुलेमान खान साहब, जनरल सेक्रेटरी भाई इमरान फजल खान साबरी और मोहतरम जनाबे राशिद खान साहब, ये रूबी खान साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आजाद खान साहब। इन तमाम अहबाब ने इस अजीम शान मुशायरे को रचा सजा करके ये साबित कर दिया कि हम हुसैनी हैं, सफीने में भवत रखते हैं। आपने भी आकर के ये साबित किया, हम हुसैनी हैं, सफीने में भवत रखते हैं, सारी दुनिया से अलग अपनी डगर रखते हैं। अमा क्या मिटाएंगे भला हमको जमाने वाले, हम तो वो हैं जो कफे दस्त पर सर रखते हैं, हम तो वो हैं जो कफे दस्त पर सर रखते हैं। आप इतने खामोश हैं, कसम खुदा की वो एक आशिक ने कहा था कि वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता। अभी भी खामोश रहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ। अरे आप लोग भी जवाब दे दीजिए यार, माशाल्लाह, अरे जिंदाबाद, अल्लाह सलामत, माशाल्लाह। अरे ये दीवाने बैठे हैं, मैं इनकी भी आवाजें सुनना चाहता हूँ। अहले दर्द अहले इश्क बैठे हैं, यकीनन मैं आपको बता दूं, जो अहले दर्द होते हैं अहले इश्क होते हैं, उनकी आवाजें कानों से टकराती है तो बरकतें मिलती है। मैं चाहता हूं कि आप भी सुभान अल्लाह कहे। हजरत उस्मान फरमाते हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह के करम से उसकी जबान साफ हो जाती है, और जब उसकी जबान साफ हो जाती है तो धीरे धीरे उसका दिल भी साफ होने लगता है। नबी की आमद की महफिल है, मैं चाहता हूँ कि आज हमारी जबान भी साफ हो जाए, हमारा दिल भी साफ हो जाए। आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करते, भाई उवैस रजा इलाहाबादी तशरीफ ला रहे हैं। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। मिंबर शरीफ पर शिराजी सैयद शिराजी साहब तशरीफ फरमा है, इनके कदम नाज का बोसा दे करके इन्हीं के खानवादे की बारगाह में शेर पढ़ता हूँ कि नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। जमाने वालों, मोहम्मद का खानदान है ये फाके करके भी दुनिया को पाल देता है, ये फाके करके भी दुनिया को पाल देता है। मोहतरम जनाब उवैस रजा इलाहाबादी, शायर अहले बैत की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ।